Hi guys, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel, Sumanth Digital English Tutorial Videos. Today, I have brought true and false statements for the lesson, the judgment sheet of Vikramaditya for you. Let's see what is there and what we have to do on the board. Vaishi, write whether each of the following statements is true or false. तो हमें लिखना है कि नीचे दिए गए कथनों में कथन सही है या गलत। अगर सही है तो स्टेटमेंट के सामने हमें ट्रू लिखना है और अगर गलत है तो हमें स्टेटमेंट के सामने फॉल्स लिखना है। तो लेट्स सी वन बाय वन। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू विक्रमादित्य। वी नो वेरी वेल दैट विक्रमादित्य ओरिजिनेटेड विक्रम संवत। हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि विक्रमादित्य ने ही विक्रम संवत की शुरुआत की थी। दैट्स व्हाई विक्रम संवत ओज टू हिम। तो इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट एंड वी वुड राइट ट्रू अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। Let's see the next. King Vikramaditya never failed in getting the culprit. Raja Vikramaditya कभी भी अपराधी को पाने में विफल नहीं हुए। It's very well known to us and it's also a true statement. We would write against this statement too. Let's see third. Vikramaditya did not love learning and justice. Vikramaditya ji विद्वता और न्याय को पसंद नहीं करते थे। It's absolutely false. वो हमेशा अपने लोगों को परफेक्ट जस्टिस देते थे, अपनी प्रजा को, साथ ही साथ अपने दरबार में बुद्धिमान व्यक्तियों को एकत्रित करते थे। तो चूंकि इसमें डिड नॉट लव दिया है तो इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के सामने आप लिखेंगे फॉल्स। लेट्स सी द नेक्स्ट। नो वन नोज द नेम ऑफ विक्रमादित्य इन इंडिया। भारत में विक्रमादित्य के नाम को कोई नहीं जानता है। इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज एवरीबडी नोज द नेम ऑफ किंग विक्रमादित्य। तो वी वुड राइट फॉल्स अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट। After observing 3 days prayer and fasting, the king ascended the throne. 3 दिन प्रार्थना और उपवास करने के बाद राजा सिंहासन आरूढ़ हुआ। हम भली भांति जानते हैं कि वह राजा चूंकि अनजस्ट 28 डे सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया, इसलिए यह स्टेटमेंट भी गलत है। Since the king couldn't ascend the throne, so इस स्टेटमेंट के सामने भी हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट, the judgment sheet of Vikramaditya didn't disappear from the earth.
विक्रमादित्य का न्यायासन धरती से सदैव के लिए विलुप्त नहीं हुआ। वी नो दैट द लास्ट एंजल फ्लू अप इन द स्काई बियरिंग द मार्बल स्लैब ऑन इट्स हेड। तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो गया है। दैट इज व्हाई इट्स आल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट। विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। विक्रमादित्य न्याय और विद्वता से प्रेम करते थे। इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट एंड वी वुड राइट ट्रू अगेंस्ट दी स्टेटमेंट। लेट्स सी नेक्स्ट। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य जी को कभी धोखा नहीं दिया गया। इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज नो कल्प्रिट कुड डिसीव हिम। ये एक सत्य कथन है क्योंकि कोई भी अपराधी उन्हें धोखा नहीं दे पाया। तो वी वुड राइट ट्रू अगेंस्ट दी स्टेटमेंट। नेक्स्ट, विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश द इनोसेंट। विक्रमादित्य ने हमेशा निर्दोषों को दंडित किया। इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज वी नो दैट विक्रमादित्य ऑलवेज गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल। यह कथन असत्य है क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि विक्रमादित्य जी अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय देते थे। तो वी वुड राइट फॉल्स अगेंस्ट दी स्टेटमेंट नंबर 9। नेक्स्ट, द किंग ऑफ उज्जैन एट लास्ट सैट ऑन द थ्रोन। अंततः उज्जैन का राजा सिंहासन पर बैठा। हम ये जानते हैं कि वो सिंहासन पर नहीं बैठ सका था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह भी एक असत्य कथन है और इस कथन के सामने भी हम लिखेंगे फॉल्स। लेट्स सी 11th। विक्रमादित्य इज फेमस फॉर इनजस्टिस। इट्स वेरी वेल नोन टू अस दैट ही वाज फेमस फॉर इनजस्टिस। दैट्स व्हाई इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट एंड वी वुड राइट ट्रू अगेंस्ट दी स्टेटमेंट। ट्रू, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज लाइंग बरीड इन द पास्चर। विक्रमादित्य का न्यायासन चरागाह में दबा पड़ा था। इट्स आल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के सामने भी हम लिखेंगे ट्रू। थर्टींथ, द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ विक्रमादित्य स्टैंड्स इन उज्जैन। विक्रमादित्य का राजप्रासाद, सुंदर राजप्रासाद उज्जैन में स्थित है। नो इट्स रॉन्ग बिकॉज हिज पैलेस एंड फोर्ट्रेस वर रुइंड। ये गलत है क्योंकि उनका राजप्रासाद और उनका गढ़ यानी किला दोनों ढह गए थे। तो इस स्टेटमेंट के सामने हम लिखेंगे फॉल्स। किंग विक्रमादित्य इज रिमेंबर्ड फॉर हिज लॉ ऑफ जस्टिस। राजा विक्रमादित्य को उनके न्याय के प्रेम के लिए जाना जाता है। इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट
and he would write to you against this statement. Fifteenth, the judgment seat of Vikramaditya was a slab of white marble. विक्रमादित्य का न्यायासन सफेद संगमरमर की एक पटिया का था. नो, इट वॉज ब्लैक मार्बल, नॉट व्हाइट. काला संगमरमर था न कि सफेद. दैट इज व्हाई वी वुड राइट फॉल्स अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट. Dear guys, hope you must have liked the video. Watch it again and again from head to toe. Thanks for watching. Bye. 1, 2, 3, come on!